मांजे महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कीर्त कर्म के विछुड़े कर कृपा मिलो राम चार कुंट दैदिस भ्रमे थक आए प्रभ की साम धेन दुदे ते बाहरी किते न आवे काम जल बिन साख कुमलावती उपजे नाही दाम हर नाय न मिले साजुने कत पाये विश्राम जित घर हर कंत ना प्रगटई भठ नगर से ग्राम सर्व सिंगार तंबोल रसे सन दे ही सब खाम प्रभ स्वामी कंत विहुनिया मीत सजन सब जाम नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल धाम चेत गोविंद आराधिये होवे आनंद घना संत जना मिल पाइए रसना नाम भणाम जिन पाया प्रभ आपुणा आए तिसे गणा एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना जल थल मैयल पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चित नया वई कितड़ा दुख गणा जिनी रावया सो प्रभे तिन्ना भाग मना हर दर्शन को मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मिलाए सो प्रभु तिसके पाए लगा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे अंदर बारह मां नामक दो बाणियां हन एक माज राग दे अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दी एक तुखारी राग दे अंदर धन गुरु नानक देव जी महाराज दी आदि काल तक ऐसी परंपरा चली है मनुखी मन दी कि मनुखी मन प्रकृति दे जर्रे जर्रे तो प्रभावित होंदा है और उसका जैसे प्रभाव पैंदा है ये अपने प्रभाव नो बोलना दे राही हाव भाव दे राही प्रगट करदा रहा है। आद काल तो कुछ फकीर संत जना ने बारह महीनिया का भी कुछ अपना प्रभाव और ज्ञान विज्ञान सूझ समझ जगत दे सामने रखी है। इतनी गलती स्पष्ट है कि सूरज ते पृथ्वी की गर्दिश के नाल रुत्तां बदल दिया ने थिप्पां बदल दिया ने जैसे कि पातशाह दी बाणी कहती है सूरज एको रुत अनेक नानक करते के केते वेस भावे सूरज एक है पर रुत्तां एक नहीं ने क्यों बारह रासा ने सूरज जद एक रास नूं छड़ के दूसरी रास विच प्रवेश करता है तो वातावरण विच कुछ पलटा आंदा है कुछ तब्दीली आंदी है कुछ क्रांति आंदी है। इसे वास्ते उस दिन का नाम है संक्रांत जिदा पंजाबी उच्चारण है संग्राम संक्रांत जेदे राही क्रांति घटित होंदी है। एक रास नूं छड़ के सूरज ने
अज दूसरी रास दे प्रवेश कीता है। आदकाल तक ऐसी विचारधारा रही कि ग्रह नक्षत्रां दा सूरज चंद तारियां दा मनुख दे उपर शुभ ते अशुभ प्रभाव पैंदा है। दुख ते सुख इन्हां दी गर्दिश करके ही है, ग्रहां दी गर्दिश करके ही है। और आम जगत दे च कहावत प्रचलित है कि इस दे सितारे ते गर्दिश दे च ने, इस दे ग्रह ते गर्दिश दे च ने। और इस्लामी जगत दे च भी असी देखदे हां कि जद कोई बहुत दुख संताप ते पीड़ा दे च होवे तो कह दिता जांदा है सितारे इस दे गर्दिश दे च ने, ग्रह इन्हां दी चाल इस दे वास्ते ठीक नहीं है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु नानक देव जी महाराज ने 12 माह दे आरंभ दे च जो वाक उचारण कीता है उस दे च मूल गल ते ए रख दिती है कि दुख सुख ते मनुख दे कर्मां दी खेड है, बाकी मन दे उते सूरज दी गति दा लाजमी प्रभाव पैंदा है। प्रकृति जो रूप बदल दी है उसका मन दे उते लाजमी प्रभाव पैंदा है। जैसे के जिस दिन चंद्रमा संपूर्ण होंदा है, जिसनू पूर्ण मास कहिंदे, महीना पूरा हो गया, पहले गिणती चंद्रमा दे नाल संबंधित सी, तो उस दिन समुंदर दे च उछाल आ जांदा है चंद्रमा दी कशिश करके। तो जे समुंदर उछल पैंदा है तो एक ख्याल प्रचलित होया मनुख दा मन भी उछल सकदा है, मनुख दी चेतना भी उछल सकदी है, क्योंकि इस पृथ्वी दे उते सूरज चंद तारे ग्रह नक्षत्रां दा अपना एक काफी प्रबल प्रभाव है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दा इस पावन वाक विच फरमाना कि दुख सुख दी खेड ते कर्मां दी है, बाकी रुचियां दी तब्दीली मौसम करके आ सकती है। इस वास्ते 12 माह दे आरंभ काल विच जिहड़ा वाक है उस विच खेड कर्मां दी है। और साहब इस ढंग नाल फरमान करदे ने 12 माह माज महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। हे प्रभु असी विछड़िया तैथों, आनंद तो विछड़िया, सुख तो विछड़िया, खेड़े ते खुशियां तो विछड़िया, पर ए विछोड़ा सड़े कर्मा करके है, सूरज चंद तारिया करके नहीं, ग्रह नक्षत्रां दी गर्दिश करके नहीं, सितारे सियारियां दी चाल करके नहीं, कर्मा करके। हे प्रभु असी सुख तो विछड़ गए, आनंद तो विछड़ गए, तेरे रस तो विछड़ गए, तेरे नाम तो विछड़ गए, तैथों विछड़ गए, विछड़े हां अपने कर्मा करके, पर हे प्रभु हुण तू बख्शिश कर ताकि मेल होवे कर कृपा मेलो राम। चार कुंट दै दिस भ्रमे थक आए प्रभ की सां, पृथ्वी दे चारे कोणे अनंत जन्म असी भटके आ, वक वक जन्मा दिच पर हुण थक के हे प्रभु तेरी शरण दिच आया। इस गल दी सोच पै गई है, इस गल दी समझ पै गई है, धेन दुरे ते बाहरी किते ना आवे काम, जड़ी गऊ दुध ही नहीं दे रही ओ किड़े कम दी, ओ ते बोझ है, ओ ते भार है, जल बिन साख कुमलावती उपजे ना ही दाम, जिस खेती नू पानी नहीं दिता जा रहा कुमला जाएगी, उसका हरा भरा रहना कठिन हो जाएगा, और जद ओ सुख गई तो दाम ते नहीं मिलणगे, धन दी उत्पत्ति नहीं होवेगी। हर नाहिन मिलिए साजने कत पाइए विश्राम, जितनी चिर तक प्रभु प्यारा ना मिले जीव नु विश्राम किथे सुख किथे, जित घर हर कंत न प्रगटई भट नगर से ग्राम, जिस हृदय रूपी घर देच परिपूर्ण परमात्मा प्रगट नहीं हुए, उसते अमृतमयी नाम दी वर्षा नहीं हुई, उसकी दृष्टि ते मानो शहर पिंड कस्बे इंजन है जैसे पठिया होवन, तपे हुए भट होवन, चाहे शहर ने चाहे कस्बे ने, सर्व सिंगाल तंबोल रस
संदे ही सब खाम। एक परिपूर्ण परमात्मा तो बिना जीवन का सारा हार श्रृंगार सारे सुख सारे रस खाम ने कच्चे ने मिथ्या ने व्यर्थ ने। प्रभु स्वामी कंत विहूनिया नीत सजन सब राम। दरअसल जब भी कोई प्रभु तो टूटता है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने जितने मित्र ने जितने दोस्त ने आखिर वक्ति एक रस होंदा है बाद देश जमा की तरह प्रतीत होंदे ने। नानक की बेनंतिया कर कृपा दीजे नाम। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फरमान हे प्रभु मेहर कर तरस कर अपना नाम दे हर मेलो स्वामी संग प्रभ जिसका ने चल धाम। ऐसा स्वामी मिलाओ ऐसा प्रभु मिले जो नेचल है टिकिया होया है सदैवी है। बारह माह दी ए भूमिका दिवाचा दे रूप दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने पावन पवित्र वाक उचारण कीता है। अग्गे सतगुरु चेत्र दे महीने दी विचार आरंभ कर दे रहे साढ़े देश दे जो बिकमी सम्मत है उसकी शुरुआत गिनती चेत्र तो कर दे रहे। चेत्र पहला महीना है जैसे ईसवी सम्मत दा जनवरी पहला महीना है इस तरह बिकमी सम्मत दा पहला माह चेत्र है। चेत्र दी विचार सतगुरु इंज दसदे ने चेत गोविंद आराधिए होवे आनंद गणा। जे किधरे चेत्र दे महीने विच प्रभु दी आराधना आरंभ कर दईए साल नवा शुरू होया है। चेत्र तो ऐ बंदे बंदगी शुरू कर तू भी अपने जीवन विच प्रभु दी इबादत शुरू कर। अगर ऐसा करेगा तो होवे आनंद घना बहुत वड्डा आनंद जीवन विच प्रकट हो जाएगा। पर किवें बंदगी करिए किस तरह करिए तो सैवक ने संत जना मिल पाईए रसना नाम बना। संतां दी संगत कर साधु दी संगत कर गुरु दी रोज संगत कर और जबान नाल उसदे नाम दा उचारण कर। संगत इस वास्ते कर तेरी रसना बोलन लग पवे। अगर एक मासूम बच्चा मां बाप को बोल सुने ही ना तो उदी जबान नु बोलना नहीं आवेगा गुंगा रह जाएगा। संगत देच असी परमात्मा दे बोल सुनिए ही ना तो फिर जबान उसदे गुणा दा उचारण भी नहीं करदी उसदे नाम दा उचारण भी नहीं करदी। मां बाप दा वो लगातार बोले होया सफल समझ लो अगर बच्चा बोलन लग पिया। संगत दे प्रभु दी ओ गल सुनी हुई सफल हो गई सत्संग कीता होया सफल हो गया अगर रसना उसदा नाम जपन लग गई तो साहिब कहंदे ने जिन पाया प्रभ आपना आए किसे गणा। जप जप के जिन्हां ने परमात्मा दी प्राप्ति कर ली संसार ते आया उन्हां दा सफल हो गया लेखे लग गया। एक खिन तिस बिन जीवना बिरथा जन्म जना। एक पल भी उसकी याद तो बिना उसके नाम तो बिना जीवना जीवन नु व्यर्थ गवाना है श्वासा नु व्यर्थ करना है। जल थल मैयल पूरिया रविया विच मना। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है जल दे च है थल दे च है जमीन ते आकाश दे च है पूर्ण तौर ते व्यापक रमिया होया है वनस्पति दे च है कण कण दे च है। सो प्रभ चित ना आवई कितड़ा दुख गणा। ऐसा परमात्मा अगर चेते ना होवे तो जितना दुख पैदा होंदा है सहिब कहिंदे असीम है उदी गिनती नहीं हो सकती उन्हों तोलना औखा है। जिनी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना। जिन्होंने चेत्र दे महीने दे परमात्मा दे गुणा दा रमन कीता उदे नाम दी आराधना कीती
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਤੇ ਮਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋਮਲ ਲੋਚਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਸ ਮਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇ, ਚੇਤ ਮਿਲਾਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਸਕੇ ਪਾਏ ਲਗਾ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਉਸਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦਾ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਤੁਖਾਰੀ ਛੰ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਰਾਂ ਮਹਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਸੁਖ ਸਹਮਾ ਦੇ ਸੋ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹਰ ਰਚਨਾ ਤੇਰੀ ਕਿਆ ਗਤ ਮੇਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਾ ਪ੍ਰੇਬਾਜ ਦੇਹੇਲੀ ਕੋਈ ਨ ਬੇਲੀ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵਾ ਰਚਨਾ ਰਾਚ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਕਰਮ ਸੁਕਰਮਾ ਨਾਨਕ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੇ ਸਾਧਨ ਤੂੰ ਸੁਣ ਆਤਮ ਰਾਮਾ ਚੇਤ ਬਸੰਤ ਭਲਾ ਭਵਰ ਸੁਹਾਵੜੇ ਬਨ ਫੂਲੇ ਮੰਜਬਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰ ਬਾਹੁੜੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਧਨ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਬਿਰੇ ਵਿਰੋਧ ਤਨ ਛੀਜੇ ਕੋਕਲ ਅੰਬ ਸੁਹਾਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਅੰਕ ਸਹੀਜੇ ਭਵਰ ਭਵੰਤਾ ਫੂਲੀ ਡਾਲੀ ਕਿਉਂ ਜੀਵਾ ਮਰਮਾਏ ਨਾਨਕ ਚੇਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਜੇ ਹਰ ਵਰ ਘਰ ਧਨ ਪਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦਾ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਬਾਰਾਂਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਠ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੇਡ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁਗਲਤੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਸੁਣ ਕਿਰਤ ਕਰਮਾ ਪੁਰਬ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਸੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਚ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੀਜ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਬੀਜ ਚੰਗੇ ਹੋਵਨ, ਵਧੀਆ ਹੋਵਨ,
गुण खादे नावन बहुत पुराने नावन। इसी तरीके दे नाल सियाना सुजान सत्संगी विचार करदा है, सोचदा है, सावधान रहिंदा है, कोई ऐसा कर्म ना होवे जिस तो दुख पैदा होवे, क्योंकि दुख फल है, सुख फल है। अगर दुखां दा फल है तो ये फल ही दसदे पए ने बीज ठीक नहीं बोया सी। अगर सुख दा फल झोली विच आण पए तो गल स्पष्ट हो गई, बीज ठीक बोए गए ने। साहब कहिंदे सिर सिर देते जो सुख प्राप्त होंदे ने, जीवन नूं जो सुख आनंद प्राप्त होंदा है, ये पूर्व कीती हुई कमाई दा, कीते हुए कर्मां दा। हर रचना तेरी क्यागत मेरी, हर बिन घड़ी न जीवा, हे परिपूर्ण परमात्मा तेरी इस महान रचना विच मेरी की गति है, भाव मेरी की हालत है। हर बिन घड़ी न जीवा, बिरहा है मन दे, हे प्रभु तेरे नाम तो बिना एक घड़ी भी जीवना बड़ा औखा है, प्रे बाज दुहेली कोई न बेली, गुरमुख अमृत पीवा। परिपूर्ण परमात्मा तो जो जीव उसत्री टूटी हुई है, दरअसल उसका फिर कोई भी बेली नहीं। एक बेली बन जाए सारा जगत बेली है, एक सज्जन बन जाए सारे ही सज्जन ने, एक सज्जन सब सज्जना, एक बैरी सब बार। जब कोई उस एक नु अपना सज्जन बना लेंदा है और गुरमुख बन के उसके नाम का ही जो है अमृत पान करता है, तो जीवन दी झोली सुख आनंद नाल भर जाती है। रचना रात रहे निरंकारी, प्रभ मन कर्म सुकर्मा, नानक पंथ निहाले साधन तो सुन आत्म रामा। हे आत्म राम एक गल सरवन कर, खेड उस निरंकार दी रचना विच कर्मा दी है, किसी नू दोषी ना ठहराई, ना सूरज नू ना चंद्रमा नू ना राहु नू ना केतु नू ना शनि नू ना मंगल नू, किसी ग्रह नक्षत्र दे ते दोष ना थापी और किसी मनुख नू भी दोषी ना ठहराई। जद भी अपने दुखां प्रति दोषी ठहराण दा तेरे मन विच ख्याल पैदा होवे तो फिर अपने कर्मा नू ही दोषी ठहराई। धन गुरु नानक देव जी महाराज हुण चेत्र दे महीने दी विचार इंज आरंभ करदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। चेत्र दा महीना दरअसल बसंत बहार दा महीना है, ना बहुती गर्मी ना बहुती ठंड, ऐसी ठंड है जो बर्दाश्त हो सकती है, ऐसी गर्मी है जो सहारी जा सकती है। इस रुत विच फुल पैदा होते हैं, फुल वनस्पति बेचों सब तो कोमल है, अति कोमल है, अति कोमल है और अति सुंदर है। सुंदरता देवी अत है, कोमलता देवी अत है और महक देवी अत है। तिन्ने गुण परिपूर्ण परमात्मा ने फुलां दी झोली विच पा दिते ने, सुंदर ने, कोमल ने, सुगंधित ने। ये अधिक स्वाभाविक खिड़दे ने बसंत दी रुत विच, ते बसंत दी रुत है चेत्र दा महीना और चेत दे महीने तो ही इस देश विच साल आरंभ होता है, गिनती चेत्र तो ही आरंभ होती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हिरदा जो एक महान संत कवि दा हिरदा है, आप इस नूं इंज लैंदे ने, चेत बसंत भला भवर सुहावड़े। बड़ा सुंदर महीना है, सोभनीक महीना है, चारों पासे फूल खिड़े ने, वनस्पति खिड़ी है और भौरे गुंजारा पा रहे ने। ऐ बंदे फूलां नू वेख के भौरा भी बोलन लग पे है, तू भी प्रभु दे गीत बोल, को तू भी गुंजारा पा, तू भी अलाप कर, तेन नहीं अलापन लाया ढंग आया, भौरे तो ही सिख ले अलापदा पे, फुल्ला नू वेख के अलाप रहे है, राग प्रसन्न हो रहे है, खिड़े चे चेत बसंत भला भवर सुहावड़े, बन फूले मजबार मैं तिर घर बावड़े। देखते सही घर बार वनस्पति चारों पासे खेड़ा ही खेड़ा है,
मन फुले ने, खेड़ा है खुशियां ने, कोयला पिया बोल दिया ने, भवरे पे बोल दे ने, इस मौसम नु वेख के, इस रुत नु वेख के पंछी भी चहचहा रहे ने, भौरिया ने भी सुरत आ गई है। ते ए बंदे तेनु सुरत नहीं आई, तेनु वो चेते नहीं आ रहा। भाई साहब भाई नंद लाल भी बकायदा इसका जिक्र करते ने, बाहोश बाश के हंगाम में नव बहार आमद, बहार आमदो यार आमदो करार आमद। ए बंदे होश दे चा, देखते सही मौसम बहार आई है, चेत दा महीना आया है, बसंत बहार आई है, चारों पासे फूल खिड़े ने, तू मुरझाया है, तू खेड़े चा, देखते सही हजारों तरह दे नगमे लेके कोयला आ गई ने, बुलबुला आ गई ने, पावरे आ गए ने, खबर दे हंद बा गुलहा के सगुफंद हमा, अजीन अवेद आम के बुलबुले हजार आवत। देखते सही हजारा तरह दे नगमे लेके बुलबुला आ गई ने, हजारा तरह दे गुंजार पांदे भौरे आ गए ने, तेरा मन रूपी भौरा अजे भी चुप है, तेरे मन रूपी कोयल ने बुलबुल ने अजे भी चहचहाना शुरू नहीं कीता। देखते सही मौसम तो रुत तो पंछी ही प्रभावित हो गए ने, कीड़े मकोड़े प्रभावित हो गए ने, देखते सही वनस्पति प्रभावित हो गई है, खिड़ पई है, तेरा मुरझाना ठीक नहीं, तू खेड़े दे चाब। तो साहब कहने हां ऐसा हो सकता है, अगर वनस्पति खिड़ी हो गए, फूल खिड़े होवन, भौरे भी गुंजारा पा रहे होवन, कोयला ते बुलबुला भी चहचहा रही होवन, पर हृदय रूपी घर दे परमात्मा की याद ना होवे, इस घर दे परमात्मा की आमद ना होवे, तो बिरहे विछोड़े की अगन विच तन छिजदा है, मन पीड़ित होंदा है, फिर घर नहीं आवे, धन क्यों सुख पावे, बिरहे विरोध तन चीजे, कोकल अंग सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजे, भावे अंबा दी डार ते कोयल बहुत मधुर पई बोल दिए, बहुत मिठे पई गीत अलाप दिए, पर अंब नू वेख के, पर ए जीव रूपी स्त्री किसनू वेख के अलापे, प्रभु दी आमद कोई नहीं, प्रभु दा चिंतन नहीं, प्रभु दी सूझ नहीं, तो स्त्री के नाल दुख दा सहारना हो रहा है, भवर भवंता फूली डाली क्यों जीवा मरमाए, भौरा ते फुल्ला दी डाली ते भ्रमण कर रहे है, आनंद ले रहे है, सुख ले रहे है, पर हे मां मेरा मन रूपी भौरा किस तरह आनंद माने, जद प्रभु दा मिलाप ही नहीं, बसंती रुत भी चंगी लगती है जद कंत होवे, फुल्लां दा खेड़ा भी चंगा लगता है जद हिरदे नूं खेड़ा देण वाला कोई होवे। तो साहिब कहने परमात्मा दे नाल ही वास्तविक हिरदे दे तल ते बसंत बहार बनदी है, चेत्र दे महीने दा उदय हुंदा है, नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वर घर धन पाए। जे चेत्र दे महीने विच तू परिपूर्ण परमात्मा नूं चेते करें, तो तेरे हृदय विच वाकई चेत्र दा महीना उत्पन्न हो जाएगा, बसंत बहार पैदा हो जाएगी, और इस तरीके दे नाल जीवन दी नवी शुरुआत होवेगी। जिवें साल आरंभ होंदा है, चेत्र दे नाल तेरी जिंदगी दी भी नवी आरंभता शुरू हो जाएगी, नवे जीवन दे ढंग उत्पन्न होंगे, नवा खेड़ा, नवा खुशियां और नवे हाव भाव, नवे तंगा नाल तेरी जीवन दी झोली भर जाएगी। चेत्र दे महीने विच गुरु अर्जन देव जी महाराज ते धन गुरु नानक देव जी महाराज माज राग विच और तुखारी राग विच जो मूल उपदेश ते संदेश देंदे ने, वो यही कि चेत्र दे तू चेते कर, चेत दे तू बार बार चेते कर, ताकि तेरे मन विच भी चेत पैदा हो जाए, बसंत बहार पैदा हो जाए।